नो ब्रेनर वही आईबुल हाउसिंग फाइनेंस बेचने की राय है। 630 का स्टॉप लॉस है और नीचे की तरफ 610 595 दो टारगेट है। बहुत गैप से खुल जाए तो थोड़ा सावधानी रखें क्योंकि निश्चित तौर से खरीदारी भी आ सकती है, खासतौर से मैनेजमेंट के क्लेरिफिकेशन के बाद। तो थोड़ा लोअर लेवल पर किसी भी भाव पर बेचना नहीं है आपको, गैप से ना खुले तो ही दिमाग लगाएं। सर, स्वामी जी का बयान की वेटेज ज्यादा है या इनकी सफाई की वेटेज ज्यादा है? इन्होंने भी सफाई दिया है सर, ये मना कर रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि हमने तो आज तक लोन ही नहीं लिया कोई भी। जज करना मुश्किल है, लेकिन डिम्पी मैं सिर्फ प्राइस के एंगल से बता सकता हूँ कि ऐसी चीजों से बाजार का कॉन्फिडेंस कम होता है। बस मतलब अभी एक चीज मुझे बताओ कि आज अगर आप फंड मैनेजर हैं तो क्या आप 5% 10% आईबुल हाउसिंग नीचे खुले तो आप खरीदने जाएंगे क्या? खाली निफ्टी का हिस्सा होने की वजह से आप खरीदेंगे? अदरवाइज आप सोचेंगे क्या, ठीक है दूर रहो ना यार, क्यों पछड़े में जाओ, हाँ क्यों फालतू, क्यों और स्टॉक्स नहीं है क्या, मैं थोड़ा महंगा HDFC ले लूंगा ना, मुझे आईबुल हाउसिंग ही क्यों लेना है, DHFL भी तो लिया ही था ना मैंने। तो पॉइंट वही है कि आप क्यों खरीदने का रीजन क्या है आपके पास में? सिर्फ ये कि किसी खराब खबर में बहुत गिर गया इसलिए, लेकिन वो उसके लिए फंड मैनेजर नहीं खरीदेंगे, ट्रेडर्स खरीद सकते हैं शायद, तो बेटर है कि दूर रहें। ठीक है, तो फिर आज का स्टॉप लॉस होगा 630 का, टारगेट 610 और बाद में गया तो 600 के भी नीचे जाएगा, 595 टारगेट होगा।